दोस्तों बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जिन्होंने तलाक के बाद भी दूसरी शादी नहीं की। नंबर 5 अमृता सिंह। 1991 में इन्होंने सैफ अली खान से शादी की और 2004 में दोनों का तलाक हो गया। जहां सैफ अली खान ने करीना कपूर से शादी की, वहीं अमृता सिंह ने दूसरा हमसफर नहीं चुना। नंबर 4 रेखा। रेखा ने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की और कुछ महीनों बाद इन दोनों का तलाक हो गया और 6 महीने के बाद इनके हस्बैंड ने सुसाइड कर लिया। इसके बाद इन्होंने दोबारा शादी नहीं की। नंबर 3 मनीषा कोइराला। इन्होंने नेपाल के बिजनेसमैन सम्राट दहल से शादी की और 2 साल बाद दोनों ने तलाक ले लिया। पहली शादी का इतना बेकार तजुर्बा देखकर मनीषा ने दोबारा शादी करने के बारे में सोचा नहीं। नंबर 2 करिश्मा कपूर। इनकी 2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी हुई और 2016 में दोनों का तलाक हो गया। संजय कपूर ने प्रिया सचदेवा से शादी कर ली, लेकिन करिश्मा आज भी अकेली अपने बच्चों की परवरिश कर रही हैं। नंबर 1 जेनिफर विंगेट। टीवी सीरियल की जानी मानी जेनिफर ने 2012 में करण सिंह ग्रोवर से शादी की थी, हालांकि 2 साल बाद ही इन दोनों का तलाक हो गया। करण ने विपाशा बसु से शादी कर ली, वहीं जेनिफर आज भी सिंगल है। आपको इनमें से सबसे अच्छी जोड़ी किसकी लगती थी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर।